हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक है, आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और लेकिन जेनिफर भी ठीक है, अभी जेनिफर की तबीयत बहुत अच्छी हो चुकी है। जेनिफर, हाय व्यूवर्स, कैसे आप लोग? ठीक है। और ये रहे जोशुआ साहब। जोशुआ साहब खाना खा रहे हैं, लेकिन जोशुआ साहब ने अपनी मुगी की गंदी गंदी की है। हाय व्यूवर्स, जोशुआ हाय करो, हाय हाय करो, हैंडी हिलाओ हैंडी। यस 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 यस, ये देखिए ये क्लैपिंग करके दिखा रहा है आप लोगों को। तो आज मैं खाने में क्या बना रही हूँ, आज मैं खाने में बना रही हूँ चिकन और आलू के कटलेट्स। तो मैं आपसे अपनी रेसिपी शेयर करूँगी कि मैं कटलेट्स किस तरह से बनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएंगे। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, वेलकम। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दे। अगर आप लोग मज़ीद हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो एक छोटी सी शॉपिंग है, तो वो छोटी सी शॉपिंग भी आपसे शेयर करेंगे और कुकिंग भी आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि अभी गैस नहीं है। तो जैसे ही गैस आती है, लास्ट वीडियो में भी मैंने जो है वो चिकन स्पैगेटी की रेसिपी डालने की कोशिश की, लेकिन वो मैं नहीं डाल सकी क्योंकि हमारे यहाँ गैस नहीं था। तो दुआ करते हैं कि गैस आ जाए तो फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाय यूट्यूब मेंबर्स, मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी छोटी सी शॉपिंग, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी शॉपिंग। तो ये बहुत ज़बरदस्त ऐसा कलर है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कभी पहले नहीं पहना है। तो ये है टू पीस, मुझे ये देखिए ज़रा, ये टू पीस। और ये भी मुझे बहुत पसंद आया था, तो आप देखें इसको कितना प्यारा सा कलर है। और मैंने, क्योंकि अभी गर्मी भी है और गर्मी में थोड़े से अच्छे खिले खिले से कलर पहनने चाहिए, क्योंकि गर्मी में वैसे ही बंदा बेहाल हुआ होता है, तो बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के प्रिंट। ये देखें, ये इस तरह से, ये देखें इसका ये। और हाँ, ये मैंने, ये भी एक सूट लिया है, ये मैंने ऐसे ही रूटीन में पहनने के लिए लिया है। तो ये थी मेरी, ये मैं करी की मैंने ईद की शॉपिंग। और ये है मेरा ईद का जोड़ा। तो ये देखें, जोशुआ साहब आ चुके हैं, जोशुआ साहब हर चीज़ पे हमला कर देते हैं। तो ये देखें, देखा गाइस, ये रहा मेरा, ये है हमारी अभी वालों का, तो ये देखें ये शर्ट है, ये कलर भी मैंने कभी नहीं पहना है, तो मैं फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ। और ये है इसका दुपट्टा, और ये इसका ट्राउज़र है। ये देखें, चिकन की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है सारी ना। तो ये है मेरी छोटी सी शॉपिंग। तो व्यूवर्स, आपको कैसी लगी, आपको कलर कैसे लगे मेरे सूट्स के, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखें, जोशुआ साहब इन सारे कपड़ों के ऊपर बैठ गए हैं, क्योंकि जोशुआ साहब को हर चीज़ जो है ना चाहिए। ये देखें, वो सारा उसने अपना काम शुरू कर दिया। जोशुआ इसी तरह से करते हैं। ये देखिए ज़रा व्यूअर्स, गैस हमारी आ चुकी है। मैंने जो है अभी अपने आलू, ये देखिए मैंने धो के पकने के लिए रख दिए हैं ताकि ये गल जाए। और ये मेरा चिकन है, चिकन भी बॉईल हो रहा है, साथ ही दोनों चीज़ें बॉईल हो जाएंगी, फिर इनको मैश करेंगे और चिकन को छोटे छोटे शर्ट करेंगे, छोटा छोटा सा शर्ट करके इसके अंदर ऐड करेंगे। तो आप जब भी चिकन बॉईल करने करें, तो आप इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और आधी चम्मच जो है वो नमक डाल दें, तो आपकी जो चिकन है ना, जो फीकापन आता है चिकन में से, वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ चिकन, जब भी बॉयल चाइनीज़ राइस भी बनाऊँ तो उसके भी चिकन में इसी तरह से बॉयल करती हूँ, ताकि उसके अंदर, गोश्त के अंदर एक फ्लेवर आ जाता है। तो आप भी इस तरह करिएगा, आपको अच्छा लगेगा।
देखिए व्यूअर्स, जब ये चिकन और आलू गल जाते हैं तो फिर इसके कटलेट्स किस तरह से तैयार होते हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं। तो अभी ये हो रही है कुक, तो इसको कुक होने देते हैं दोनों चीज़ों को जब ये गलती हैं, और फिर हम इसके कबाब बनाते हैं, फिर आपको बताते हैं। और हम इसके साथ बनाएंगे रायता, जो कि बहुत यमी और मज़े का लगता है। बच्चे तो खैर केचप से खाते हैं, मैं जो हूँ वो रायते से खाती हूँ। ठीक है, और आज हमारे किचन में बन रहा है यमी यमी कटलेट, जो सब बच्चों के यानी मेरे जैसे बच्चों के सब फेवरेट होते हैं। तो हमारे यहाँ पर हमारे आलू गल रहे हैं, चिकन भी गल रही है, जो जैसे ही गलते हैं हम लोगों को इसको फिर जो है ना आलू को छीनना होगा और मैश करना होगा, वो हम आपको बाद में प्रोसेस बताते हैं। और हम इसको खाते हैं सैलेड के साथ और हम खाएँ। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो मैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आपसे पहले पहुंच सके। थैंक यू। ये देखें व्यूअर्स, मैंने मेरे आलू और चिकन बॉईल हो गए थे, जिसे मैंने देखे बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। वैसे मैंने कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे बच्चे स्पाइसी नहीं खाते। मैंने आधी चम्मच ब्लैक पेपर डाला है और आधी ही चम्मच कुटी हुई मिर्चें और एक चम्मच जो है वो मैंने नमक ऐड किया है इसके अंदर। तो बस इसको मैंने मिक्स कर लिया है। ब्रेड क्रम मैंने यहाँ निकाल के रख दी है। ब्रेड क्रम हमेशा खुले बर्तन में निकालें ताकि वो अच्छे से कोटिंग होती है और बहुत अच्छे क्रिस्पी बन के फ्राई हो बन के रेडी होते हैं। तो ये मैंने एक अदद अंडा और इसमें मैंने ये देखे थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नमक ऐड किया है, इसको मैं फेंटूँगी और टिक्कियाँ बना के ब्रेड क्रम लगा के मैं इसको फ्राई करती हूँ। और फ्राई करके फाइनल लुक हम आपको इसका दिखाते हैं। तो बड़ी मुश्किल है, गैस का बहुत इशू है और गैस की वजह से हर काम बहुत लेट हो जाता है। तो देखिए व्यूअर्स, कटलेट्स मेरे बनके रेडी हो चुके हैं। मैंने इनको ब्रेड और अंडा ब्रेड क्रम और अंडे से कोटिंग कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने तेल रख दिया है गरम होने के लिए। जैसे ही हमारा तेल गरम होगा तो हम इसमें कटलेट्स फ्राई करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, कटलेट्स मेरे फ्राई हो रहे हैं और देखिए कितना अच्छा कलर आया है और कहीं से टूटे हुए भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छे बनते हैं, आपके बच्चों को बेहद पसंद आते हैं। मैं तो लंच में भी दे देती हूँ और बच्चे स्कूल लंच में भी लेकर जाते हैं, तो बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं इन कटलेट्स को। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखे फाइनली मेरे कटलेट्स बन के रेडी हो चुके हैं और देखे कितने यमी यमी से लग रहे हैं। मेरी बेटियाँ इसे मायोनीज और केचप के साथ खाती हैं। और अभी मैं लगी अपनी बेटी को खाना देने के लिए क्योंकि वो लोग बैठे हुए खाने के लिए। तो फाइनली व्यूअर्स, मेरा खाना भी बन चुका है। कर्जिन यमी यमी से कटलेट्स बनाए हैं मैंने और अभी मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोशिश करेंगे इससे भी अच्छी वीडियो बने। तो हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर। तो जय ना गुड़ी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम तो खैरियत से हैं। हाँ, जैसे कि अभी ये ट्यूशन से आई है और बस अभी मैं नीचे अफ्तारी करने गई थी, एक हमारी आंटी है ना, तो वो हम तो चले व्यूअर्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।